दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, अगर आप योनो लाइट SBI यूज करते हैं, इसमें बहुत ही बड़ी अपडेट आया है। अब आप जो है योनो लाइट SBI में फिंगरप्रिंट की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। जी हाँ, अब तक आप पिन से ही लॉगिन कर पाते थे, यूजर नेम पासवर्ड से ही लॉगिन कर पाते थे, लेकिन अब जो है फिंगरप्रिंट से आप लॉगिन कर पाएंगे। तो आपको पता है कि दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों के लिए सिक्योरिटी पर्पस में नए नए अपडेट देते रहते हैं, ताकि उनके अकाउंट में कोई भी व्यक्ति छेड़छाड़ ना कर पाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि योनो लाइट SBI में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाए और अपने अकाउंट को सिक्योर बनाए। तो दोस्तों मेरा नाम है मिथुन कुमार, आप देख रहे हैं MKP गुड टिप्स चैनल। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक बार प्ले स्टोर में जाइए और योनो लाइट SBI को अपडेट जरूर कर लीजिए। अगर आपका अपडेट नहीं है तो आप अपडेट कर लीजिए। तो अपडेट करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का मैसेज खुलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगरप्रिंट लॉग इन योनो लाइट SBI। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप यूज़र नेम पासवर्ड से ही लॉगिन करना है, एज ए पिन से आपको लॉगिन नहीं करना है। जिस तरह का इंटरफेस खुलेगा जब आप लॉगिन कर लेंगे, तो यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है, आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे में देखिए आपको इनेबल फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 6 अंक का यानी कि 6 डिजिट का आपको पिन बनाना है, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिकल की। तो यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इस तरह से कुछ उदाहरण आप दिया गया है स्क्रीन पे, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप 2000 का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं फिंगरप्रिंट की मदद से। तो यहाँ पे आपको कुछ न्यूमेरिकल देना है, कुछ डिजिट देना है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह से कुछ यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद रीड करने के बाद आप यहां पे इनेबल फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, तो अपने सेंसर के पीछे एक फिंगर को देंगे, और जैसे देंगे यहां पे देखिए आपका फिंगरप्रिंट सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहां पे इंटर करना है। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद यहाँ पर चलिए हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका जो फिंगरप्रिंट लॉक सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर चलिए योनो लाइट SBI को फिंगरप्रिंट की मदद से हम ओपन करेंगे। तो फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और पीछे में सेंसर फिंगर देना है, उसके बाद आपका खुल जाएगा। तो चलिए पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना है जहाँ पे फिंगरप्रिंट का एक ऑप्शन है, तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सेंसर के पीछे फिंगर सटाएँगे और यहाँ पर देखिए आपका योनो लाइट SBI ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये धमाकेदार ये जो है आपका फीचर दिया गया योनो लाइट SBI में, तो ओके पे क्लिक करके यहाँ पे ये डन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए टोटली यहाँ पे होम पेज का लुक चेंज हो गया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, व्यू बैलेंस चेक कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे अदर बैंक SBI बैंक में भी सब कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल पेमेंट भी आप कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है योनो लाइट SBI में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। सबसे पहले आप योनो लाइट SBI को अपडेट ज़रूर कर लीजिए, अगर आपका अपडेट नहीं है तो आप अपडेट कर लीजिए, क्योंकि ये अपडेटेड योनो लाइट SBI में ये फीचर दिया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बार बार हम जो है अपने फिंगर को सेंसर के पास लेके जा रहे हैं और यहाँ पर खुल जा रहा है, यहाँ पर व्यू बैलेंस चेक कर रहे हैं। तो यह है न्यू अपडेट योनो लाइट SBI का। तो इस तरह से आप फिंगर लॉक लगा सकते हैं। सो दोस्तों आप इसी तरीके से योनो लाइट SBI में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। अगर वहां पे आपको अल्फा न्यूमेरिकल की मांगता है, तो सिंपल सा ABCD 3 अक्षर ले लीजिए, 1 या 2 3 ले लीजिए, यानी डिजिट में आप कोई भी ले सकते हैं, 5 6 ले सकते हैं, या DCF ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, लेकिन 6 डिजिट का होना चाहिए, दोबारा आपसे नहीं मांगेगा। तो यह सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पर दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप भी योनो लाइट SBI में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं, जो मैंने इस वीडियो में प्रोसेस आपको बताया। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करते रहें। तो कोई भी SBI का अपडेट हो, चाहे योनो लाइट का अपडेट हो, तो मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।